दोस्तों 60 और 70 का दशक ऐसा दौर रहा जिसमें एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियां हमें देखने को मिली, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उस अभिनेत्री की जिन्हें आप इंद्राणी मुखर्जी के नाम से जानते हैं। जी हां, आपकी फेवरेट इंद्राणी मुखर्जी, जिन्हें प्यार से आप बॉलीवुड क्वीन कह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज आपकी ये फेवरेट अभिनेत्री कहाँ, किस हाल में अपनी जिंदगी गुजार रही है। इंद्राणी मुखर्जी हिंदी सिनेमा में 60 और 70 के दशक में नजर आईं। उन्होंने फिल्म में यादगार प्रदर्शन किया जिसमें शामिल हैं परवरिश, आखिरी खत, देश परदेश और धर्मवीर। उन्होंने अपराध सहित मराठी फिल्मों में भी काम किया। आखिरी खत में उनकी भूमिका विपरीत राजेश खन्ना आज भी प्यार से याद किया जाता है। इंद्राणी ने 1959 के दौर में एक सौंदर्य प्रतियोगिता में सफलता का स्वाद चखा था। तब ये उसकी माँ थी जिसमें उसे अभिनेत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंद्राणी को एक स्क्रीन टेस्ट दिया गया था और इंद्राणी जैसा कि वो दृढ़ थी एक दृश्य में स्वाभाविक रूप से रोई थी जो उससे पूछा गया था। परिणाम उत्साहजनक था, उसने परीक्षा पास कर ली थी। इस तरह से उन्हें कहा था, मैं महत्वपूर्ण भूमिका मिली फिल्म के पास। सुनील दत्त और नंदा मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। बाद में उन्होंने धर्मपुत्र और हकीकत जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। हकीकत के निदेशक चेतन आनंद थे। उन्हें अपनी फिल्म आखिरी रात राजेश खन्ना ने फिल्म में पुरुष प्रधान भूमिका निभाई। फिल्म को समीक्षकों द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया और अकादमी पुरस्कारों से भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। अगले 10 वर्षों में इंद्राणी मुखर्जी को एक चरित्र कलाकार के रूप में देखा और उस दौरान उन्हें कई फिल्मों में अभिनय किया। अहमदाबाद के रहने वाले मुखर्जी ने ऑल इंडिया रेडियो में हिंदी में रेडियो नाटकों में काम किया। इंद्राणी ने एक बार कहा था कि ये अनुभव फिल्मों में उनके लिए फायदेमंद होगा। मेरे लाल फिल्मों में इंद्राणी का काम हीर रांझा, धर्मवीर, परवरिश विख्यात थे। मराठी और भोजपुरी फिल्मों के साथ उनके कार्यकाल में लागे ना ही छूटे रामा और अपराध शामिल हैं। मुखर्जी ने 1980 के दशक के दौरान हिंदी सिनेमा को अलविदा कह दिया। उनका विवाह श्री किशन लाल खन्ना से हुआ और 1992 के दौरान नासिक में हुआ था। ऐसी अद्भुत अभिनेत्री को खोना वास्तव में हिंदी सिनेमा के लिए एक क्षति है, वो भी उनके करियर के चरम पर। हालांकि अगर बात की जाए इनके आज के बारे में तो आज ये 81 साल की हो चुकी हैं और पहले के मुताबिक काफी बदली हुई भी नजर आती हैं। जिन्हें पहली नजर में पहचान पाना मुश्किल है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।